इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम 3D ज्योमेट्रीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं जब वह समतलीय होते हैं, अर्थात एक ही समतल पर स्थित होते हैं, और जब दोनों रेखाएं अलग अलग समतलों पर होंगी। फिर हम यह देखेंगे कि कोई रेखा निर्देशाक्षों के साथ किस प्रकार कोण बनाता है। फिर देखेंगे कि दिक अनुपात क्या होता है, दिक कोज्या क्या होती है, और फिर हम यह देखेंगे कि दो समांतर रेखाओं की दिक कोज्याएं बराबर होती है यदि वो समान दिशा में होती है, और दो समांतर रेखाओं की दिक कोज्याएं बराबर किंतु विपरीत होती है तब उसमें ऋण चिन्ह के साथ में दोनों बराबर होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यदि किसी बिंदु की दिक कोज्याएं हो तो इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय। दो समतलीय प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वह उन दोनों रेखाओं के बीच का न्यून कोण होता है, और यदि दो रेखाएं असमतल हैं तो उनके बीच का कोण अंतरिक्ष में स्थित बिंदु से उन दोनों रेखाओं के, दो समांतर खींची गई रेखाओं के बीच का कोण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये आप चित्र में देख सकते हैं कि ओ ए और ओ बी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरे चित्र में पी क्यू और आर एस दोनों विषमतलीय रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। एक दी हुई रेखा तथा निर्देशांक अक्षों के बीच का कोण ज्ञात करना। एक दी हुई रेखा तथा निर्देशांक अक्षों के बीच का कोण वह कोण है जो मूल बिंदु से दी हुई रेखा के समांतर खींची गई रेखा निर्देशांक अक्षों से बनाती है। किसी रेखा की दिक कोज्या, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ अ लाइन। यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः कोण अल्फा, कोण बीटा तथा कोण गामा बनाती है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा उस सरल रेखा की दिक कोज्याएं या डायरेक्शनल कोसाइन कहलाती है। ये साधारणतः क्रमशः LMN से निरूपित की जाती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। निर्देशांक अक्षों की दिक कोज्याएं, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। चूंकि X अक्ष, Y अक्ष तथा Z अक्ष से क्रमशः 0 डिग्री, 90 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाती है, अतः X अक्ष की दिक कोज्या हुई कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90 अर्थात 100। इसी प्रकार X अक्ष की दिक कोज्या होगी 010 तथा Z अक्ष की दिक कोज्या होगी 001। यदि किसी सरल रेखा PQ की दिक कोज्याएं LMN है तो सरल रेखा QP की दिक कोज्याएं -L -M -N होती है। माना सरल रेखा PQ की दिक कोज्याएं LMN है। माना PQ निर्देशांक अक्षों से क्रमशः कोण अल्फा, बीटा, गामा बनाती है, तब L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। चित्रानुसार O से PQ के समांतर तथा P से Q की दिशा में सरल रेखा OA खींचे, तब OA भी अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है। अब QP अक्षों से जो कोण बनाती है वे वही हैं जो AO अर्थात OA डैश अक्षों से बनाती है। स्पष्टतः कोण ए डैश ओ एक्स बराबर 180 ऋण अल्फा, कोण ए डैश ओ वाई बराबर 180 डिग्री ऋण बीटा और कोण ए डैश ओ जेड बराबर 180 डिग्री ऋण गामा। अतः क्यू पी की दिक कोज्याएं हुई कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा, कॉस ऑफ 180 माइनस बीटा तथा कॉस ऑफ 180 माइनस गामा अर्थात माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा या फिर माइनस एल माइनस एम माइनस एन। यदि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा किसी रेखा की दिक कोज्याएं हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। दी हुई रेखा के समांतर ओपी रेखा खींचे तथा ओपी को विकर्ण मानकर आयताकार ठोस या घनाभ की रचना कीजिए। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं हमने एक घनाभ की रचना की है। अतः OP की दिक कोज्याएं दी हुई रेखा की दिक कोज्याओं के बराबर होंगी, क्योंकि cos अल्फा इक्वल टू OA अपॉन OP, cos बीटा इक्वल टू OB अपॉन OP तथा cos गामा इक्वल टू OC अपॉन OP।
अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर। डिनोमिनेटर जो है या हर में जो राशि है ओपी स्क्वायर, ये सब में कॉमन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर। जबकि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, जो कि इक्वल टू होगा ओ क्यू स्क्वायर के। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अतः समीकरण एक में यदि हम इन मानों को रख दें तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर इक्वल टू वन, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। यदि सरल रेखा ओ पी की दिक को जाए एल एम एन हो तो पी के निर्देशांक एल आर एम आर एन आर होते हैं, जहां ओ पी बराबर आर। ओ पी को विकर्ण लेकर घनाब ए क्यू पी एस ओ बी आर सी खींचा तब कॉस अल्फा इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी दैट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब त्रिक गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स बराबर आर कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को हम एल लिख सकते हैं, तो इस प्रकार मिल जाएगा एक्स इक्वल टू एल आर। फिर कॉस बीटा इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ पी इक्वल टू वाई अपॉन आर होगा। यहां से y का मान निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू आर कॉस अल्फा या फिर y इक्वल टू एम आर। और कॉस गामा इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ पी, जो कि बराबर होगा z अपॉन आर के। यहां से हम z का मान निकाल सकते हैं z इक्वल टू आर कॉस गामा या फिर z इक्वल टू एन आर। तो इस प्रकार p के निर्देशांक हमें मिल रहा है एल आर एम आर एन आर। किसी रेखा के दिक अनुपात, वे राशियां जो किसी रेखा की दिक कोज्याओं के समानुपाती होती हैं, दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो और प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल कोसाइन कहलाती है। माना किसी रेखा की दिक कोज्याएं LMN हैं तथा दिशा अनुपात या दिक अनुपात ABC है, तब परिभाषा से हम लिख सकते हैं L इज प्रोपोर्शनल टू A, M इज प्रोपोर्शनल टू B एंड N इज प्रोपोर्शनल टू C। तो लिखा जा सकता है एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वन होता है, तो इस अनुपात को आगे बढ़ाकर हम लिख सकते हैं इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसे यदि सांकेतिक रूप में लिखा जाए तो हम लिखेंगे एक बटे स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, जहां पर सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अतः हमें मिल जाएगा एल बराबर ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, एम बराबर बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर और एन इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर। अतः यदि किसी रेखा के दिक अनुपात ए बी सी ज्ञात हो तो रेखा की दिक कोज्या ज्ञात करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देते हैं। किसी रेखा की दिक कोज्याएं अद्वितीय होती हैं। किसी रेखा के दिक अनुपात अद्वितीय नहीं होते। यदि ए बी सी किसी रेखा के दिशा अनुपात या दिक अनुपात हैं तो के ए के बी के सी वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो भी उस रेखा के दिशा अनुपात होंगे। यदि ए बी सी किसी रेखा के दिशा अनुपात हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन। किसी रेखाखंड का अन्य रेखा पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन ऑन अनदर लाइन। ए बी दिया गया रेखाखंड तथा सी डी एक रेखा है। ए से सी डी पर ए एम तथा बी से सी डी पर बी एन लंब डाला, तब एम एन को रेखाखंड ए बी का रेखा सी डी पर प्रक्षेप कहते हैं। ए से बी एन पर ए एल लंब डाला, स्पष्ट है कि ए एल एम एन के समांतर तथा बराबर है।
यदि ए बी और सी डी के बीच का कोण थीटा हो तो हम लिखेंगे कि एंगल बी ए एल इक्वल टू थीटा। इस प्रकार त्रिभुज बी ए एल में कॉस थीटा बराबर ए एल बटे ए बी, इस प्रकार ए एल का मान मिल जाएगा ए बी कॉस थीटा, या फिर एम एन बराबर ए बी कॉस थीटा। अतः ए बी का रेखा सी डी पर प्रक्षेप ए बी कॉस थीटा है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का एक दी हुई रेखा पर प्रक्षेप। माना दी हुई रेखा एल एम की दिक को जाए, एल एम और एन है, तथा बिंदु कैपिटल ए एक्स वन वाई वन जेड वन तथा कैपिटल बी एक्स टू वाई टू जेड टू है। बिंदु ए से होते हुए एक्स वाई जेड वाई और जेड एक्स समतलों के समांतर क्रमशः ए सी डी ई, ए सी एच जी और ए ई एफ जी समतलों को खींचा। इस प्रकार बिंदु बी से होते हुए एक्स वाई जेड वाई तथा जेड एक्स समतलों के समानांतर क्रमशः जी एफ बी एच, बी डी ई एफ और एच सी डी बी समतलों को खींचा। यहां पर ए ई बराबर हमें मिल जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ई डी बराबर मिल जाएगा वाई टू माइनस वाई वन और बी डी बराबर मिल जाएगा जेड टू माइनस जेड वन। रेखा ए बी का प्रक्षेप रेखा एल एम पर बराबर ए ई का एल एम पर प्रक्षेप धन ई डी का एल एम पर प्रक्षेप धन बी डी का एल एम पर प्रक्षेप। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एल प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू एम प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू एन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। माना पी एक्स वन वाई वन जेड वन और क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू दो बिंदु हैं। अब पी क्यू को मिलाए, पी और क्यू से वाई अक्ष पर क्रमशः पी एल और क्यू एम लंब डाला, तब पी क्यू का वाई अक्ष पर प्रक्षेप बराबर एल एम, और एल एम को लिखा जा सकता है ओ एम माइनस ओ एल बराबर वाई टू माइनस वाई वन। परंतु पी क्यू का वाई अक्ष पर यदि प्रक्षेप निकालने कहा जाए तो हम लिखेंगे पी क्यू कॉस बीटा, जहां बीटा पी क्यू और वाई अक्ष के बीच का कोण है। तो पी क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, यहां से हमें मिल जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू। इसी प्रकार पी क्यू का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप पी क्यू कॉस अल्फा होगा, जो कि बराबर होगा एक्स टू माइनस एक्स वन के। तो यहां से हम कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। इसी तरह पी क्यू का जेड अक्ष पर प्रक्षेप पी क्यू कॉस गामा इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन, यहां से कॉस गामा इक्वल टू लिख सकते हैं जेड टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू। अतः पी क्यू की दिक को जाए एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू तथा Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ है। स्पष्टतः PQ के दिक अनुपात X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 है। प्रश्न दिया गया है कि बिंदुओं 1, 2, 3 और 4, ऋण 4, 5, 6 को मिलाने वाली रेखा की दिक को जाएं ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं के निर्देशांक यदि PX1, Y1, Z1 हम ये मान करके चलते हैं कि ये 1, 2, 3 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु है Q, इसका निर्देशांक X2, Y2 और Z2 ये लेकर के चलते हैं, ये माइनस 4, 5 और माइनस 6। तो दिक को जिया निकालने के लिए पहले दिक अनुपात निकालना पड़ता है। तो PQ का दिक अनुपात डायरेक्शनल रेशियो ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहां से मिल जाएगा x2 माइनस x1 तो ये माइनस 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 तो ये 5 माइनस 2 और z2 माइनस z1 तो ये मिल जाएगा 6 माइनस 3, ये मिल रहा है माइनस 5, 3 माइनस 9। दिक अनुपात को हम चाहें तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिक अनुपात हमें मिल जाएगा 5 माइनस 3 9।
तो दिक अनुपात मिल चुका है, दिक कोज्या निकालनी है। तो दिक कोज्या, यदि दिक अनुपात ए बी और सी हो तो जो दिक कोज्या होती है ये होता है ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली बी अपॉन दिस, इसको मैं सिग्मा लिख रहा हूँ, सिग्मा ए स्क्वायर, और ये सी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर। तो पहले हम सिग्मा ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मिल जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 81, ये मिल जाएगा 115। तो दिक कोज्या है, ये हमें मिल रहा है ए, दैट इज 5 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 115, देन बी दैट इज माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 115, और सी दैट इज 9 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 115। तो ये दिए गए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की दिक कोज्या है, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक रेखाखंड का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप 3, 4 और 12 है, रेखाखंड की लंबाई और दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि माना रेखाखंड पी क्यू के सिरे पी एक्स वन वाई वन जेड वन और टू वाई टू जेड टू है, तब निर्देशाक्षों पर पी क्यू के प्रक्षेप, ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1 होंगे। प्रश्न में दिया गया है प्रक्षेप 3, 4, 5 है, तो इसके अनुसार हम यह लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 इक्वल टू 3, y2 माइनस y1 इक्वल टू 4 और z2 माइनस z1 इक्वल टू 12। तब रेखाखंड की यदि हमें लंबाई निकालनी है, रेखाखंड की लंबाई, उसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 169 का स्क्वायर रूट और अल्टीमेटली 13 मिल जाएगा। तो रेखाखंड की जो लंबाई है यह 13 इकाई है। अब रेखाखंड की दिक कोज्याएं पूछा गया है। रेखाखंड की दिक कोज्याएं, तो ये आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। सो दिस इज 3 अपॉन 13, 4 अपॉन 13 और 12 अपॉन 13। तो ये अभीष्ट रेखा की दिक कोज्याएं हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक रेखाखंड के निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप 2, 3 और वर्गमूल 3 है, रेखाखंड की लंबाई और उसकी दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले वाली विधि में हमने x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 इस तरीके से कैलकुलेट किया था। अभी हम यहाँ पर जो कोण है बनने वाला अल्फा बीटा और गामा, उस कंसेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। माना PQ की दिक कोज्याएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। तो प्रश्न में जो दिया गया है प्रक्षेप दिया गया है, अर्थात पी क्यू
cos alpha equal to 2, PQ cos beta equal to 3 और PQ cos gamma equal to root 3। तो अगर तीनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो मिल जाएगा PQ cos alpha square plus PQ cos beta square plus PQ cos gamma square equal to 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 16। इन तीनों पदों से आप लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं और फिर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 16। और आपको ये पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू 4। तो ये हमें मिल गया है लंबाई। अब दीक कोज्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है कॉस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन पी क्यू और पी क्यू का मान है 4, तो 2 बाई 4 दैट इज 1/2। नेक्स्ट है कॉस बीटा, ये मिल जाएगा 3 बाई पी क्यू दैट इज 3/4 और कॉस गामा ये है आपका √3 अपॉन पी क्यू, तो मिल जाएगा √3/4। तो रेखाखंड की लंबाई जो पूछी गई है ये 4 इकाई है और ये 1/2, 3/4 और वर्गमूल 3/4 ये उसकी दिक कोज्याएं हैं जो कि ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिक कोज्याओं के आधार पर सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2-3, 2-3-4 तथा 0-7-10 यह समरेखीय हैं। तो यहाँ पर हम दिक अनुपात ज्ञात करेंगे और अधिक अनुपात के बाद हम दिक कोज्या ज्ञात करेंगे तो उससे यह सिद्ध हो जाएगा। तो माना कि जो दिया गया बिंदु है यह ए है 1-2-3, दूसरा बिंदु है बी यह है 2-3-4 और तीसरा बिंदु है सी 0-7-10। मान के चलते हैं कि ये तीनों बिंदु ए बी सी है, तो ए बी के दिक अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे x2 - x1, तो 2 - 1 दैट इज 1, 3 - - प्लस तो ये 5 और -4 - 3 दैट इज -7, ये ए बी के दिक अनुपात है। इसी तरीके से ए सी के दिक अनुपात ज्ञात किया जाए, ए सी के दिक अनुपात तो 1 - 0 1, -2 - प्लस 5 जाएगा 5 और 3 - 10 दैट इज -7। तो आप ये देख सकते हैं कि ए बी तथा ए सी दोनों के दिक अनुपात समान हैं। हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी तथा ए सी के दिक अनुपात समान हैं, अर्थात समानुपाती है, इसलिए ए बी व ए सी समांतर है। किंतु ये रेखाएं बिंदु ए से होकर जाती है, अतः दिए गए बिंदु ए बी तथा सी समरेखीय है और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी सरल रेखा की दिक को जाएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि पहला स्टेटमेंट है कि कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इक्वल टू -1, ये हमें सिद्ध करना है।
तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा दोनों से 2 को कॉमन ले लेते हैं और ये है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 टाइम्स है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये 1 होता है तो मिल जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। सो ये हमें राइट हैंड साइड मिला। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यह जो अध्याय है त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें हमने देखा कि यदि कोई रेखा दो बिंदु से होकर के जाती है या त्रिविमीय आकाश में कोई दो बिंदु है तो उनकी दिक को ज्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यदि किसी आकाश में कोई दो बिंदु है तो उनसे दिक अनुपात किस प्रकार ज्ञात करते हैं और यदि दिक अनुपात हमें प्राप्त हो तो उनकी दिक को ज्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आपने देखा यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके दिक को ज्याओं में क्या संबंध होता है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके दिक को ज्याओं में क्या संबंध होता है, इसको भी हमने देखा है। किसी बिंदु की दिक कोज्या LMN या फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा इसके बीच में जो संबंध होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसको भी हमने देखा। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है।